हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विची 24। और मैं हूं निधि कश्यप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, अगर आप भी गोरा होना चाहते हैं, अपने चेहरे पे निखार लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, और इसको एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी स्किन को 2-3 टोन तक फेयर कैसे बना सकते हैं आपकी स्किन को। तो आप अपने स्किन को फेयर बनाना चाहते हो और गोरा बनाना चाहते हो तो आप बहुत सही जगह हो। इस वीडियो को पूरा देखना और इस रेमेडीज़ को देखकर, ये होम रेमेडीज़ है, ये मैं कोई आपको क्रीम नहीं बताने वाली हूँ या फिर कोई फेशियल नहीं बताने वाली हूँ कि आप मार्केट से जाके आप फेशियल करवा लो, उससे आप अपनी स्किन को गोरा बना सकते हो। नहीं, मैं घर पर ही आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप यूज़ करके अपने स्किन को गोरा बना सकते हो। तो चलिए अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं कि आपको कौन सी चीज़ है जो लगाना है अपने फेस पे जिससे कि आपकी स्किन गोरी हो सके। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल। अगर आपको फ्रेश एलोवेरा जेल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्रेश नहीं मिल पाता है तो फिर आप मार्केट वाला ले सकते हो। बट आप ट्राई करो कि आपको फ्रेश एलोवेरा जेल मिल जाए। तो फ्रेश एलोवेरा जेल आप लगा सकते हो, गमले में बहुत ईजिली लग जाता है एलोवेरा जेल, तो आप उसको लगा सकते हो। या फिर अगर आपके पास है घर में ऑलरेडी तो आप वही लिप्स ले लो एलोवेरा लिप्स के, उसका जेल निकाल दीजिए दोनों साइड से कट करके बीच से। उसका आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एलोवेरा जेल ले लीजिए, फ्रेश एलोवेरा जेल, उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए, थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, और उसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच कच्चा दूध मिला करके तीनों को घोल करके एक पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट को अच्छे से पहले तो मिक्स कर लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना फेस पहले ठंडे पानी, नॉर्मल पानी से आपको फेस धो करके उसके बाद ही फेस मास्क की तरह लगाइए इसको, और 20 मिनट तक अपने फेस पे इसको लगा रहने दीजिए। और 20 मिनट के बाद तो हल्के गुनगुने पानी से अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ कर सकते हो वो लगा लीजिए, देखिएगा आपके स्किन में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा, आपका जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होने लगेगा और आप गोरे होते जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत इजी है, बहुत कुछ इसमें आपको परचेज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके घर पे ही सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, और बहुत कम बजट में, आपके बजट में ही आप अच्छा दिख सकते हैं और फेयर होना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आप हो सकते हो। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आप पे कितना असर किया है, क्योंकि बहुत लोगों पे क्या होता है कि इसका किसी भी होम रेमेडी का बहुत जल्दी असर दिख जाता है और बहुत मतलब ज़्यादा इफेक्ट दिखने को मिलता है, किसी में लेट थोड़ा होता है। तो मुझे बताइएगा आपने कितना जल्दी ये असर हुआ और कितना नहीं। तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिसको भी ये प्रॉब्लम है, जो भी चाहते हैं कि अपने कॉम्प्लेक्शन को थोड़ा सा फेयर करें और ग्लोइंग बनाए, तो आप इस फेस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें कोई हार्मफुल एलिमेंट नहीं है, जो कोई केमिकल है नहीं जो आपके स्किन को हार्म पहुँचा सके, क्योंकि तीनों जो चारों इंग्रेडिएंट्स हैं सारे नेचुरल है। एलोवेरा आपको पता है कि ये हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें बहुत होती है, तो ये बहुत अच्छा है फॉर स्किन। हल्दी एंटीसेप्टिक है, हल्दी आपके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी और खाने के लिए भी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्दी आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, शहद है, शहद भी आपका नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, शहद एंटी एजिंग का काम करता है, तो शहद बहुत बेनिफिशियल है और आपकी स्किन को फेयर करने में भी हेल्प करता है। और जो हमारा कच्चा दूध है, कच्चा दूध का तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कच्चे दूध हल्दी के बारे में मैंने बताया हुआ है इसके बेनिफिट को। और कच्चा दूध हमारी स्किन को फेयर करता है, एक मॉइस्चराइज देता है, नरिशिंग देता है, और एक ब्लीच प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है जो हमारी स्किन को ब्लीचिंग करने में हेल्प करता है। तो चारों इंग्रेडिएंट्स जिन्होंने मैंने बताया सब नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है, तो इसको ट्राई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप एक बार पैच टेस्ट जरूर ले लीजिएगा। मैं तो बताती हूँ कि आप किसी भी फेस पैक को अपने फेस पे लगाने से पहले आप उसका पैच टेस्ट जरूर ले लीजिए। आप या तो यहाँ पे ले सकते हो उसका पैच टेस्ट, या फिर अपने हाथों पे इधर साइड जो भी आप इसको ले सकते हो। तो आप पहले लगा के 20 मिनट तक देखिए कि अगर आपको कुछ इचिंग वगैरह हो रही है तो फिर उसको मत लगाइए, अगर इचनेस नहीं हो रही है, नॉर्मल है सब, तो फिर आप इसको यूज़ कीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा आपको है, ये मैंने बताया जो आपको फेस मास्क, अगर ये आप फेस मास्क रेगुलर लगाते हैं, अगर आप डेली यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो वीक में आप 3 से 4 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर डेली यूज़ कर सकते हो तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। अगर आप डेली यूज़ नहीं कर पाते हो तो आप इसको वीक में 3 से 4 बार यूज़ करो, और ये बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है और आपके स्किन को फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप भी गोरा होना चाहते हो तो गोरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस होम रेमेडीज़ को ट्राई कीजिए और
मतलब ये मैं नहीं बोलूँगी कि अगर आपका कॉम्प्लेशन बहुत ज़्यादा डार्क है तो बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, बट हाँ आपका जो स्किन टोन है उससे 2-3 शेड आपको फेयर हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हो, अगर मतलब फेयर ना भी होना चाहते हो, अगर अपने स्किन पे निखार लाना चाहते हो, ग्लो लाना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस फेस मास्क को ट्राई देख रहे हो तो इसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको हेल्प करने के लिए सबकी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।